नमस्ते सरन मैम, मेरा नाम धनराज कुमार रॉय है। मैं आज आप सभी को एला रनर क्लासेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। एला रनर क्लासेस एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे CBSE, ICSE और BSE उड़ीसा बोर्ड के बच्चों को, क्लास 1 से लेकर 10 स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाया जाता है। जी हाँ, ये बेसिकली एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अब आप कहेंगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट तो या ट्यूशन सेंटर तो हर घर में है, गली मोहल्ले में, तो ऐसी क्या खास बात है एला रनर क्लासेस में कि हम अपने बच्चों का एडमिशन वहां करवाएं? तो मैं आज आप सभी को एला रनर क्लासेस की कुछ खास बातें शेयर करने वाला हूं। पॉइंट नंबर वन यह है कि हमारा बैच साइज बहुत ही लिमिटेड है। हम एक क्लास में 30 या 40 बच्चों को नहीं बिठाते। हमारा एक बैच का मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, या आप कहें तो साइज है, 12 स्टूडेंट्स ओनली। एक क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ 12 बच्चों को ही लेंगे। 12 बच्चे ही क्यों? ताकि आपके बच्चों को 1-to-1 गाइडेंस मिल सके। ऐसा नहीं कि 30-40 बच्चे बैठा लिए और उन पे ध्यान देना ही पॉसिबल नहीं। तो हमारा एक बैच का मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 12 स्टूडेंट्स ओनली। पॉइंट नंबर टू है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। हम सिर्फ मैथ्स, साइंस या इंग्लिश, ऐसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाते। हम बच्चों के जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, क्लास 1 से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक, सारे सब्जेक्ट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हर सब्जेक्ट को उतने ही शिद्दत के साथ, उतने ही एफर्ट के साथ पढ़ाते हैं। हमारे लिए कोई भी सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा या कम ऐसा नहीं है। पॉइंट नंबर थर्ड है वन सब्जेक्ट वन टीचर रूल। मतलब आपने कहीं जगह देखा होगा कि एक ही फैकल्टी है, 3 या 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कहीं कहीं तो सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे एक सब्जेक्ट के लिए एक फैकल्टी है। अगर मैं दूसरे तरीका से कहूँ तो हमने यहाँ पे एक टीचर को सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाने का मौका दिया है, और वो सब्जेक्ट भी उनका जो बेस्ट सब्जेक्ट है वही वो पढ़ाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि अगर वो अपना बेस्ट सब्जेक्ट ही सिर्फ पढ़ाएंगे तो आपके बच्चों को भी बेस्ट ही मिलेगा। पॉइंट नंबर फोर ये है कि वीकली 10 आवर्स क्लासेस हम आपके बच्चों को, स्पेशली 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को वीकली 10 आवर्स का क्लास देंगे। वीकली 10 आवर्स कैसे? डेली हमारा 2 आवर्स का क्लासेस रहेंगी, जो कि वीक में 5 डेज रहेगा। तो 2 आवर्स और 5 डेज अ वीक, तो 10 आवर्स हो गया। इसके ये कन्फर्म क्लासेस है, 10 आवर्स कन्फर्म क्लास। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर डाउट क्लियरिंग सेशंस, आपका रिविजन सेशंस या असेसमेंट सेशंस, ये सारे क्लासेस एक्स्ट्रा होंगी। मतलब 6 या 7 डेज अ वीक भी हो सकता है ऑन रिक्वायरमेंट बेसिस। और 1 से लेके 4th स्टैंडर्ड के बच्चों को, 1 से 4th स्टैंडर्ड बच्चों को हम लोग 1 से 1.5 घंटे का डेली क्लास देंगे, जो कि वीकली 5 डेज होगा। पॉइंट नंबर 5, अगर कोविड केसेस इंक्रीज होते हैं तो हम 100% रेडी हैं कि अपने ऑफलाइन क्लास को ऑनलाइन क्लास में शिफ्ट कर सके। हमें 1% भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। हम लोग 100% तैयार है कि हम अपने ऑफलाइन बैच को संग संग ऑनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं या स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा और भी छोटी छोटी बातें हैं, जो हर छोटी बातों को हमारी टीम ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, जैसे कि पार्किंग फैसिलिटी। आप सिमलीगुड़ा जैसे जगह में देखेंगे अक्सर पार्किंग को लेके प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ सफिशियंट पार्किंग फैसिलिटी है। आप अपने व्हीकल्स को लेके आए, 2-व्हीलर्स 4-व्हीलर्स, साइकिल बाइसाइकिल, जो भी है आपका, यहाँ पे सफिशियंट जगह है व्हीकल्स को पार्क करने के लिए। पार्किंग फैसिलिटी के अलावा, जैसे कि मान लेते हैं बच्चों को बैठने के लिए क्लास कैसे है, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट्स कैसे हैं, तो सिटिंग अरेंजमेंट बच्चों का ऐसा है कि हर बच्चे के लिए सेपरेट डेस्क एंड टेबल है। मतलब हर बच्चे के लिए सेपरेट डेस्क एंड चेयर है। इससे क्या होगा? इससे सेपरेट डेस्क एंड चेयर इसीलिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन किया जा सके, और वो जो डेस्क एंड चेयर है वो इतना कंफर्टेबल है कि अगर हम बच्चे को लंबे समय तक बिठा के पढ़ाते हैं, 2 घंटा 2.5 घंटा या 3 घंटा भी, तो कंफर्टेबली वो बैठ के पढ़ सकते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा जैसे कि पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, अगर आप सिमलीगुड़ा से 20-25 किलोमीटर के रेडियस में हैं, ठीक, तो हमारे यहाँ पे वैन्स अवेलेबल है। हम आपके बच्चों को घर से एला रनर क्लासेस तक और एला रनर क्लासेस से
आपके घर तक बच्चों को सेफली पिकअप एंड ड्रॉप कर देंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं क्विकली रिकैप करता हूं कि आपके बच्चों को एला रनर क्लासेस में क्या मिलने वाला है। पॉइंट नंबर वन है लिमिटेड बैच साइज, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ 12 बच्चे ही लेंगे। पॉइंट नंबर टू है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, हम बच्चों के जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ लेंगे। पॉइंट नंबर थ्री है वन टीचर वन सब्जेक्ट ग्रुप, यहाँ पे हर टीचर जो उनका बेस्ट सब्जेक्ट है वही सिर्फ पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि एक ही फैकल्टी तीन चार सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। पॉइंट नंबर फोर है वीकली 10 आवर्स कंपल्सरी ऑफलाइन क्लासेस, हम आपके बच्चों को वीकली 10 आवर्स कंपल्सरी क्लासेस देंगे। पॉइंट नंबर फिफ्थ है स्विच फ्रॉम ऑफलाइन मोड टू ऑनलाइन मोड, अगर कोविड केसेस इंक्रीज हुआ तो हम ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में इजिली शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सफिशियंट पार्किंग फैसिलिटी है, बच्चों के बैठने के लिए सेपरेट डेस्क एंड चेयर है जो कि कंफर्टेबल है, इसके अलावा पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी है। कुछ गार्जियन का ये क्वेश्चन होता है कि भाई सब तो ठीक है, टीचर्स कहाँ के हैं? तो सर मैम ऑफलाइन क्लासेस के लिए जो टीचर्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल है वो लोकली है, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस जो हमारा है वो टीचर्स जो है वो ऑल इंडिया बेसिस है, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस के लिए हम जो फैकल्टीज रखे हैं वो इन्हीं लोकेलिटी में से है। जैसे कि अगर मैं कहूँ तो टीचर्स सिमलीगुड़ा से है, HL टाउनशिप से है, नालको से है, सुनाबेड़ा से है, कोरापुट से हैं, जयपुर से हैं, विजयनगरम से हैं, तो यही है, मतलब इन शॉर्ट टीचर्स जो हैं वो लोकल ही है, लेकिन क्वालिटी उनका बहुत ही अच्छा है, अच्छा उनका जो बेस्ट सब्जेक्ट है वही वो पढ़ा रहे, तो टीचर्स के लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्वालिफाइड टीचर है और अच्छे फैकल्टीज है। इसके अलावा बहुत कुछ गार्जियन ने पूछा सब तो ठीक है भाई, एक क्लास में आप 12 बच्चे ही लेंगे, इतने अच्छे से पढ़ाएंगे, जो बेस्ट सब्जेक्ट है वो पढ़ाएंगे टीचर्स, मतलब इंडिविजुअल और पर्सनल अटेंशन आप देने वाले, तो आप फी कितना लेंगे? तो मैं फर्स्ट टाइम आप सभी को एला रनर क्लासेस का फी बताने वाला हूं, जो कि फी बहुत ही रीजनेबल रखा गया है, ताकि ऑल सब्जेक्ट के लिए आपको ऐसा ना लगे कि आप ज्यादा पे कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ का जो फी स्ट्रक्चर है वो 500 to 2000 है क्लास 1 to 10 के बीच में, ठीक, मतलब अगर आपका बच्चा क्लास 10 स्टैंडर्ड में है तो उसका मैक्सिमम फी जो होगा 2000 रुपीस पर मंथ होगा, 2000 से आपको ज्यादा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ऐसे आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट अगर कहीं पे पढ़ाते हैं बच्चों को, सिर्फ मैथ्स पढ़ाएं या साइंस पढ़ाएं या कुछ भी, तो 700, 800 या 1000 रुपए लग जाते हैं, वहीं पे हम आपको 2000 रुपीस में, ओनली 2000 रुपीस में ऑल सब्जेक्ट्स देंगे, वो भी एक्सपर्ट के द्वारा, तो फीस बहुत ही रीजनेबल है। और सरन मैम हम ये नहीं कहते कि आप ऐसे ही एडमिशन ले लें, आप हमारा डेमो क्लास अटेंड करें, डेमो क्लासेस 5 नवंबर ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। डेमो क्लासेस के लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है LRNR, आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं, LRNR एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद सबसे ऊपर में लिखा होगा वहां पे बुक योर क्लास नाउ, वहां पे क्लिक करें और अपने बच्चों का जो बोर्ड और क्लास है, सपोज BSC उड़ीसा बोर्ड है क्लास 10th या क्लास 9th, तो उसको उस पे क्लिक करें, अगर ICSE क्लास 5th या 6th या कोई भी क्लास है तो ICSE वाले क्लास 5th या 6th पे क्लिक करें, या CBSE है तो CBSE क्लास 4, 5 जो भी आपका क्लास है उस पे क्लिक करें, क्लिक करके डेट देखें किस किस डेट में डेमो क्लास होने वाले हैं, उस डेट पे क्लिक करें, डेट पे क्लिक करने के बाद टाइम स्लॉट दिया होगा उस टाइम पे क्लिक करके उसको कंफर्म करें, कंफर्म करने के बाद बच्चे का नाम लिखें और ईमेल आईडी दें, बस आपका डेमो क्लास, फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगा, आपको इंस्टेंट एक कंफर्मेशन मेल जाएगा जिसमें आपका डेमो क्लास का पूरा शेड्यूल वहां पे दिया रहेगा, तो आप आए डेमो क्लास, फ्री डेमो क्लास अटेंड करें, हमारे यहाँ के फैसिलिटीज को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, हमारा सर्विसेज देखें, हमारे फैकल्टीज के साथ बात करें, और इसके अलावा आपके पास जितने सारे क्वेरीज हैं आप आए हमसे पूछें, हम एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे, पूरे सेटिस्फेक्शन के बाद ही आप एडमिशन ले, और ऐसा नहीं है कि आपने एडमिशन अपने बच्चों का कर दिया तो आपको कंटिन्यू ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप देखें कि हम आप जो फी पे कर रहे हैं हम उसके अगेंस्ट में आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, अगर आपको लगता है कि आप जो हमें फीस दे रहे हैं उसका जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो ज्यादा आपको नहीं मिल रहा है, तो आप हमें कहें कि हमें वैल्यू नहीं मिल रहा है,
हम उसको इम्प्रूव करेंगे। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं इनका क्वालिटी अच्छा नहीं है तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। अभी तक आपको सोशल मीडिया के जरिए या पैम्पलेट के जरिए या किसी से सुन के एलआरएमआर क्लासेस के बारे में मालूम पड़ गया होगा, या नहीं तो ये वीडियो के थ्रू आपको मालूम पड़ गया है, तो आप आए डेमो क्लास बुक करें। इस साल ऑलरेडी सेशन स्टार्ट हो चुके हैं और हमारे पास समय भी कम है, तो हम लोग इस साल स्पेशली सिलेबस को फोकस करेंगे, सिलेबस कंप्लीशन और उसके रिविजन को। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स हम बच्चों के लिए फाउंडेशन क्लासेस भी रखने वाले हैं, फिफ्थ ऑनवर्ड्स फाउंडेशन क्लासेस फॉर आईआईटी, जेईई, नीट, ये इसके अलावा उसको अगर पब्लिक सर्विसेज लाइन में भी जाना है, तो जिस लाइन में जाना है बच्चों को, हम हर सब्जेक्ट को उतने ही एफर्ट के साथ पढ़ाते हैं, तो जिस भी लाइन में जाना है बच्चों को उस लाइन में उसको फाउंडेशन क्लासेस एडिशनल एक्स्ट्रा फाउंडेशन क्लासेस देंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेशन में हमारे पास मोर देन सफिशियंट टाइम रहेगा। इस सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पर फोकस करेंगे ताकि कैसे कम समय में उनको सिलेबस कंप्लीट किया जा सके। हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम बैच आफ्टर बैच क्लासेस कंटिन्यू करें, हम ऑफलाइन के लिए सिर्फ एक ही बैच लेंगे, सीबीएसई, आईसीएसई और उड़ीसा बोर्ड के लिए सिर्फ एक एक क्लास के लिए सिर्फ एक ही बैच लेने वाले हैं और उसका साइज भी मैक्सिमम 12 होगा। 12 बच्चे के एडमिशन के बाद हम बच्चों को एडिशनली नहीं लेंगे, ऑन रिक्वेस्ट बेसिस भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा बैच स्ट्रेंथ ही है मैक्सिमम 12। हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम बैच आफ्टर बैच बच्चों को पढ़ाएं, हमारा पर्पस ये है कि लोकली हम कुछ बच्चों को लें और उसको तैयार करें, वो लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं, उनका जो भी करियर गोल है उसमें हम हेल्प करें, उनका फाउंडेशन स्ट्रांग करें, और थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन जो हमारे तरफ से बन सकता है हम उस बच्चे के लिए करें। हमारे तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है सरन मैम, हम चाहते हैं कि हम तो बच्चे के लिए मेहनत करेंगे, हमारी टीम मेहनत करेगी उनको तैयार करने में, जो भी पॉसिबल होंगे, जितना भी होगा हम लोग पूरा एक्स्ट्रा एफर्ट हो, डबल एक्स्ट्रा एफर्ट हो हम लोग लगाएंगे। हमारा बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि अगर आपका बच्चा मेहनती है तो ही हमारे पास आए, मतलब ऐसा है कि अगर हमें लगा कि बच्चे के पीछे सिर्फ हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम मेहनत कर रही है, बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है, तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, फीडबैक देंगे कि बच्चा मेहनत हमारे साथ नहीं कर रहा है, तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट ये इंश्योर करें कि बच्चा हमारे साथ मेहनत कर रहा है। अगर फिर भी बच्चा हम मेहनत करते रहे और बच्चा मेहनत नहीं किया, तो हम उस बच्चे को फर्दर कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम उस बच्चे को डिसकंटिन्यू कर देंगे और ये मौका हम दूसरे बच्चों को देंगे। हमारा बस एक ही कंडीशन है, हमें मेहनती बच्चे चाहिए जो जिसके लिए हम मेहनत करें और जो हमारे लिए मेहनत करें, ताकि उसके करियर बिल्ड में थोड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा हो। तो आज ही LR-NR एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और फ्री डेमो क्लास आप बुक कीजिए। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कैसे क्या करना है नहीं करना है, तो हमारा ऑफिशियल मोबाइल नंबर हम दे रहे हैं, हमारा ऑफिशियल मोबाइल नंबर है 6370248486। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 6370248486, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पे कॉल करें, कॉल करके अपना डेमो क्लास आप बुक करवाए या आप एडमिशन भी करवा सकते हैं अपने बच्चों का। कि आप हमारा एडमिशन प्रोसेस 5 नवंबर ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, और हाँ एक क्लास के लिए 12 स्टूडेंट्स हो जाने के बाद हम फर्दर एडमिशन नहीं लेंगे, तो ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं डेमो क्लास करवाइए, और आपको लगता है कि आपको आपके बच्चे का एडमिशन नहीं मिलेगा तो आप अपना जो बुकिंग है उसको पहले ही करवा लें, ताकि आपके बच्चे का कंफर्मेशन ऑलरेडी हो। कितने सारे गार्जियन आए जो जिन्होंने हमें कहा कि हमारे बच्चे का एडमिशन करना है, लेकिन हमारा एडमिशन जो प्रोसेस है वो 5 नवंबर ऑनवर्ड से स्टार्ट होंगे, तो वो सारे गार्जियन भी आने वाले हैं अपने बच्चों के साथ, 5 नवंबर से एडमिशन हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो और एक क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ 12 बच्चे ही लेंगे, 12 बच्चे होने के बाद हम एडिशनल बच्चों को नहीं लेंगे, तो आप अपने बच्चे के लिए अगर आपको एडमिशन करवाना है तो आप 5 ऑनवर्ड्स आके एडमिशन करवा सकते हैं। थैंक यू।